से आप आइडिया लगा लोगे इतना पानी गिरने के बाद आपकी वॉच खराब नहीं होगी। तो करते हैं राज भाई को कॉल। गाइस कैसे आप लोग, स्वागत, उम्मीद अच्छे होंगे। आज अपने पास अनबॉक्सिंग के लिए फायरबोल्ट रिंग 3 स्मार्ट वॉच जो कि आती है 1.81 डिस्प्ले के साथ एंड इसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ कॉलिंग। जी हाँ गाइस, आप इसमें कॉल फंक्शन यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद इसकी डिस्प्ले पे आपको कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल होते हैं सारी फीचर्स आपको बताएंगे, उसके बाद करेंगे इसकी वाटर प्रूफ टेस्टिंग एंड उसके बाद करेंगे इसकी कॉल फंक्शन टेस्टिंग। कॉल फंक्शन टेस्टिंग के दौरान आपको पता चलेगा इसमें माइक एंड स्पीकर किस प्रकार से इसमें काम करता है, अपनी वॉइस अगले बंदे के पास किस तरह से जाती है एंड अगले बंदे की आवाज अपने पास किस तरह से स्मार्ट वॉच के स्पीकर में रिसीव होती है, वो सारी क्वालिटीज आपको इसमें बताएंगे। तो बने रहे गाइज वीडियो को लास्ट तक और करते इसकी अनबॉक्सिंग। फायरबोल्ट रिंग 3 की करते अनबॉक्सिंग। और गाइज मैं आपको बता दूं, ये वाली वॉच आपको फ्लिपकार्ट पे नहीं अवेलेबल होगी, आप इसको परचेज कर सकते हैं अमेजोन पे जाके, और अमेजोन का परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इसको परचेज आसानी से कर सकते हैं। फाइनली करते बॉक्स को ओपन और यहाँ देखिए गाइज, बॉक्स को ओपन होते ही आपको यहाँ मिलता है चार्जिंग केबल जो फिल्म मैग्नेट के साथ आता है, इसको किसी भी अडेप्टर के साथ आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मिलता आपको इसका यूजर मैनुअल और यहाँ पे देखिए गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गाना, फायरबोल्ट सरप्राइज, कुछ इस तरह से आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं। करते इसके लेमिनेशन को रिमूव और आप देख सकते इसका 1.8 का डिस्प्ले और गाइस पीछे का लेमिनेशन भी करते हैं कुछ इस तरह से रिमूव। ये वॉच आपको मिल जाती है 1499 रुपए में और गाइस इसका स्ट्रैप देखें, इसका स्ट्रैप मटेरियल आता है सिलिकॉन का और इसका साइज आता है फ्री। बकल पे आपको मिलता है फायरबोल्ट का बेजिंग। इस वॉच का स्ट्रैप जो आता है वो आता है फिक्स, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, दूसरा स्ट्रैप इसके लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे मिलता आपको चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे मिलता आपको सेंसर्स और यहाँ पे देखिए गाइस आपको मिलता है फायरबोल्ट का बेजिंग और गाइस यहाँ पे साइड में आपको मिलता है पावर बटन जो ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। यहाँ पर मिल जाता है आपको LCD डिस्प्ले जो आता है 1.8 के साथ और गाइज यहाँ पे देखिए इसका स्पीकर और गाइज लॉन्ग प्रेस करते हैं इसके बटन को और कुछ ही सेकंड में आपकी वॉच हो जाती है फायरबोल्ट बेजिंग के साथ ऑन और गाइज इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से शो होता है। नेक्स्ट अब चलते इसकी स्क्रीन पे और गाइज वहाँ पे बताते हैं आपको इसमें कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से फंक्शन इसमें प्रोवाइड हो जाते हैं, उसके बाद करेंगे इसकी वाटरप्रूफ टेस्टिंग और उसके बाद करेंगे इसकी कॉल फंक्शन टेस्टिंग। ऑलराइट गाइज अपन आ गए अपनी स्मार्ट वॉच स्क्रीन पे और यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। करते हैं लेफ्ट स्लाइड एंड यहाँ पे आपकी आती है एक्टिविटीज और यहाँ पे आते हैं फोन कॉल्स। नेक्स्ट आता है हार्ट रेट मॉनिटर, कुछ यहाँ पे आपको इस तरह से आपका BPM जो होता है। नेक्स्ट आता है स्लीप एंड डीप मोड, यहाँ पे आप टाइम के अकॉर्डिंग D&D मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड ऑक्सीजन। नेक्स्ट आती है आपकी एक्सरसाइज, यहाँ पे आपको 118 एक्सरसाइज अवेलेबल हो जाती है, कुछ इस तरह से आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड हो जाती है। बैक चलते हैं और नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सरसाइज रिकॉर्ड। नेक्स्ट आता है वेदर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है आपके मैसेज। नेक्स्ट आता है AI वॉइस एंड आगे आता है शटर। शटर का यूज़ करके आप अपने फ़ोन का कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लेयर। प्लेयर का यूज़ करके आप अपने फ़ोन का म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अलार्म। अलार्म को करते हैं क्लिक और यहाँ पे देखिए आपको 3 अलार्म प्रोवाइड हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट आता है टाइमर। नेक्स्ट आता है स्टॉपवॉच एंड नेक्स्ट आता है फ्लैशलाइट। फ्लैशलाइट कुछ इस तरह से आपकी टॉर्च काम करती है, टच करने पे ऑन एंड टच करने पे ऑफ हो जाती है। चलते हैं बैक एंड यहाँ पे आता है फाइंड फोन का ऑप्शन। यहाँ पे आप इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये वाली एप्लीकेशन आपके फ़ोन को सर्च करती है कि रूम में आपका फ़ोन कहाँ रखा है। नेक्स्ट आता है गेम, यहाँ पे आपको गेम्स प्रोवाइड होते हैं फ्लोफी, हेमस्टर, बैटलशिप 2048, इस तरह से आपको कुछ यहाँ पे 4 गेम प्रोवाइड हो जाते हैं। बैक चलते हैं और नेक्स्ट आता है आपके पास कैलकुलेटर, इस तरह से आपको इसमें कैलकुलेटर भी प्रोवाइड होता है। एंड नेक्स्ट आता है सेटिंग। सेटिंग को करते हैं ओपन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आता है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको आता है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑटो स्लीप, यहाँ पे आपको 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड एंड ऑटो मोड पर आप इसको डाल सकते हैं। एंड ये है आपका स्क्रीन टाइम आउट होता है। बैक चलते हैं और यहाँ आता है आपका वॉच फेस। वॉच फेस कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे वॉच फेस प्रोवाइड हो जाते हैं और इनके अतिरिक्त अगर आपको वॉच फेस चाहिए तो फोन एप्लीकेशन पे आपको ढेरों वॉच फेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है वाइब्रेशन एंड रिंग। करते हैं मोड्स को ओपन और यहाँ पे आपको आता है वाइब्रेशन, रिंग, वाइब्रेशन एंड रिंग एंड म्यूट, 4 ऑप्शन के साथ यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी, इसको करते हैं ओपन और यहाँ पे आपको वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए या सॉफ्ट, यहाँ से आप इसको चूज कर सकते हैं। बैक चलते हैं और नेक्स्ट आता है D&D मोड। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है फ़ोन ऑन, इसको अगर ऑन रखते हैं तो ही आपका फ़ोन रिसीव होगा, वरना आपका फ़ोन कॉल्स आपकी वॉच में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट आता है लो पावर मोड, इसको सेविंग मोड भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ़ोन रिसेट, यहाँ आप अपनी स्मार्ट वॉच को रिसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता सिस्टम एंड नेक्स्ट आता अबाउट। सिस्टम को करते हैं ओपन और यहाँ आप अपनी स्मार्ट वॉच को रिस्टार्ट कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं एंड रिसेट कर सकते हैं। एंड गाइज कुछ इस तरह से आपको इस स्मार्ट वॉच में ये सारे फंक्शन प्रोवाइड हो जाते हैं। एंड करते हैं इसकी वाटरप्रूफ टेस्टिंग और वाटरप्रूफ टेस्टिंग करके देखते हैं
ये वॉच खराब हो जाती है या फिर नहीं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं इसकी करने वाला हूँ वाटरप्रूफ टेस्टिंग, और गाइस आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैं गिरा रहा हूँ पानी, और ये हो रही है इसकी वाटरप्रूफ टेस्टिंग। इससे आप आइडिया लगा लोगे इतना पानी गिरने के बाद आपकी वॉच ख़राब नहीं होगी, या हो जाती है तो भी पता चल जाएगा, और संभाव्यता पता लगा ही लोगे कि इतना पानी गिरने के बाद आपकी वॉच ख़राब होती है या फिर नहीं। कहने का मतलब बरसात में या कहीं पर भी इतनी वॉच अगर आपकी भीग जाती है तो आपकी वॉच कैसे कुछ काम करती है। इतना पानी गिरा दिया है और पानी गिराने के बाद ही वो करेंगे टेस्टिंग, इसके बाद अपनी वॉच ख़राब होती है या फिर सही की सही बनी रहती है, इसका टच कंट्रोल किस तरह से काम करता है या नहीं करता है, और देखते हैं अपनी वॉच किस तरह से काम करती है। इसको करते हैं थोड़ा साफ। फ्रेंड्स वाटरप्रूफ टेस्टिंग के बाद मैंने इसकी स्क्रीन को कर लिया साफ, और आप देख सकते हैं इसका टच कंट्रोल किस तरह से काम कर रहा है, कुछ इस तरह से आपको एप्लीकेशन से होती है। एंड आप देख सकते हैं मतलब कहने का मतलब टच कंट्रोल स्मूथली तरीके से काम कर रहा है। राइट गाइज, इस वॉच में आपको कॉल फंक्शन प्रोवाइड होता है, और वो किस प्रकार आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें करना आपको लेफ्ट साइड, और यहाँ पे मिलता है आपको फोन कॉल। फोन कॉल में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, रिसेंट कॉल, डायल पेड एंड कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आपको वही कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे जो आपने एप्लीकेशन पर सेव किए थे फोन एप्लीकेशन में। तो गाइज मैंने यहाँ 3 नंबर सेव कर रखे हैं, तो करते हैं राज भाई को कॉल, और कुछ इस प्रकार रिंग जाती है। और हेलो, हेलो, हाँ राज भाई कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। अच्छे हैं, आजा आवाज़ कैसी आ रही मेरी? बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा सुनो, मुझे मुझे कॉल बैक करो, एक बार रिसीव करके देख लेते हैं इस वॉच में रिसीव भी होता है या नहीं। ठीक है ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, इस प्रकार आपको सुपर तरीके से वॉइस क्वालिटी इतनी तेज, और बंदे को आप पहचान सकते हो कि कौन बोल रहा है। तो अब कॉल इसमें आने वाला है, और मैं आपको रिसीव करके एक बार बता देता हूँ, बात करके एक बार बता देता हूँ किस प्रकार से आप इसमें रिसीव कर सकते हैं एंड आप बात कर सकते हैं। तो अभी इसमें तो फ्रेंड्स आपने देख ली इसकी रिंग कितनी तेज रिंग करती है। एंड हेलो, हेलो, हाँ भाई, हाँ अच्छी आ रही ना आवाज़? बिल्कुल साफ आवाज आ रही है, बिल्कुल। ओके 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 ठीक। तो फाइनली फ्रेंड्स आपने देख लिया किस तरीके से इसमें आपको कॉल फंक्शन प्रोवाइड होता है। वॉच के सारे टेस्ट आपने देख लिए, इसकी स्क्रीन पे कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल होते हैं, इसकी वाटरप्रूफ टेस्टिंग हमने कर ली है, और ये वॉच आपको मिल जाती है सुपर कॉल फंक्शन के साथ। इस वॉच को अपने फ़ोन के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर ओपन करके उसमें DAFit नाम से एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अपनी स्मार्ट वॉच में करें लेफ्ट स्लाइड, और लेफ्ट स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ करना है सेटिंग को ओपन। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको आ जाना है और करना अबाउट को क्लिक। अबाउट को क्लिक करने के बाद यहां पर आपको मिलता है QR कोड, और इस QR कोड को अपने फोन के स्कैनर से आपको करना है स्कैन, एंड स्कैन करने के बाद में आपके सामने वो लिंक आ जाएगा। उस लिंक को अगर आप ओपन करते हैं तो प्ले स्टोर में आपको DAFit का एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको आपको करना है इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद में आपको इस वॉच को अपने फोन के साथ करना है कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद उस एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं 100 वॉच फेस, एंड आप खुद की फोटो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट गाइज, इस वॉच की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, ऐसे ही अनबॉक्सिंग एंड टेक्निकल वीडियोस के लिए बने रहिए मिस्टर हैकर टेक टीम के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।